जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज सवाल है एक स्टूडेंट का कि हमने इमेज गैलरी किस तरह बनानी है। ठीक है, तो मैं बहुत आसान सिंपल तरीके से बताऊंगा विदाउट सीएसएस, ताकि आप आसानी से कर लें। देखिए, ये एक मैंने बनाई है, उसको किस तरह ये वर्क कर रही है। देखें, इसको हम जाते हैं सफारी पे, और आप देखें इसको हिट करें, और ये थंबनेल्स की जगह वो बड़े इमेज खुल रहे हैं, हिट करें आप। ठीक है, तो बैक, ठीक है, अलग से भी खोल सकते हैं और थम उसके अंदर भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर मैं ये बंद कर दूं, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ हमने हिट किया। ठीक है, तो ये हमने खैर बनानी है अपनी जो इमेज गैलरी है इस तरह। तो ये कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, न्यू फाइल ले रहा हूँ, न्यू फाइल और HTML5। ठीक है, न्यू फाइल आ गई। यहाँ मुझे सिंपल इंसर्ट करनी है टेबल, टेबल में काम करूँगा। टेबल 3x3, 3 रोज़ 3 कॉलम, और परसेंटेज वाइज कर रहे हैं। 80 का मतलब है जो भी 90 कर लेते हैं, 5 फाइव जो ना वो एम्प्टी छूट जाएगा। 1 बॉर्डर 1 सेल पैडिंग 1 सेल स्पेसिंग, ओके कर लें। ये हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट किया और ये अलाइन जो ना सेंटर कर लेते हैं, ताकि ये सेंटर में आए। देखिए, 5 यहाँ है 5 पिक्सल्स का यहाँ गैप आ रहा है। ठीक है, और 3 रोज़ 3 कॉलम, तो 9 हमारे पास बॉक्स बन गए। तो 1 बाय 1 9 के 9 बॉक्स में अपनी इमेज मैंने बनाई थी, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इमेजेस चेक करते हैं, ज़रा वापस आते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में मैंने ये थंबनेल बनाया इस तरह, और ये हमने इमेजेस हैं। इमेजेस साइज डिफरेंट है, मगर जो थंबनेल है वो तकरीबन वो सेम है। ठीक है, और यहाँ कुछ मैंने स्काई भी लगाया। स्काई इस तरह था, तो मैंने स्काई किस तरह लगाया, एडिट पे गया। ठीक है, स्काई रिप्लेस, ये ऑप्शन है नए वर्जन में, 2021 में है, तो यहाँ चले गए। ये बाय डिफ़ॉल्ट था यहाँ पर, तो ये अब जो मैंने लास्ट यूज़ किया होगा वो यहाँ आ रहा था, तो वो यहाँ देखें रिप्लेस कर रहा है। आप इसका इसका ना इसका देखें रिप्लेस कर दिया। आप इसको मज़ीद यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ, अब इसमें थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, इसको मैं थोड़ा सा इस लेवल पर आज थोड़ा सा टेम्परेचर इसका मैं अगर कम कर दूँ। ठीक है, या आप इमेज चेंज करनी है आपने स्काई की, इमेज चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास फोटोशॉप की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। आप अपना भी बनाना चाहें तो यहाँ जाएं, न्यू जाके आप स्काई करें, और अपनी इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगी आपके पास। तो मैं यहाँ से कुछ इमेज जाके अगर मैं इस तरह की ले लूँ, लेट्स सी, चलें हम ये लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, और ओके कर लें। ये आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस इमेज को। ये थी मेरी इमेज 3, और आपने उसके नाम वगैरह जो ना वो रखने हैं। ये इसकी बड़ी इमेज है, ये इसकी थंबनेल्स हैं, स्मॉल इमेज और ये बिग इमेज है। तो 3 थी 3 को मैंने सेलेक्ट किया और रिप्लेस करवा दूंगा। सेव सेव फॉर रैप हो गई, नहीं 1 मिनट मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। देखिए, इसने डबल कर दिया। ठीक, कोई बात नहीं, उन्हें रिप्लेस पूछता ना ये। ठीक है, तो उसी तरह मैंने फिर इसमें थंबनेल बना दिए। इन तमाम इमेजेस को आप प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल, और यहाँ से भी इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या इमेज में जाएं, इमेज साइज़ से भी आप इसको कर सकते हैं। 150 मुझे चाहिए इसका, जो सबके विड्थ मैंने सेम रखी है, 150 बाई 100 रखी है। ठीक है, ये आप चेक करें यहाँ पर, यहाँ आ जाएं। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस ये है, देखें सबकी इमेज का थंबनेल वो सेम है, मगर जो इमेज खुल रही है ओपन हो रही है वो सब अलग अलग साइज है, डजन मैटर। ठीक है, ये सब ना सेम होना चाहिए आपका साइजेस। तो मैंने 100 बाय 150 बाय 100 100 लिया है। ठीक है, और यहाँ जाके किस तरह आपने चेंज किया है, यहाँ से आप कर सकते हैं 150 बाय 113 आ रहा है, तो इसको आप चेन को हटा दें, इसको आप 100 कर दें। ठीक है, ओके, उसके बाद दोबारा इसको कंट्रोल शिफ्ट एस कर लें, और एक और फोल्डर बनाए स्मॉल का। ठीक है, स्मॉल का फोल्डर बना के स्मॉल के अंदर उसको उसी नाम से, 3 है तो 3 के नाम से उसको सेव कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये 9 मैंने इमेजेस, बिग इमेजेस लिए 9, उसके मैंने थंबनेल दिए हैं। ठीक है, तो आप वापस आते हैं अपने जो हमने भी टेबल लिया, यहाँ मैं जाऊँगा, फर्स्ट सेल में हिट करें, और अगर आप सेल में हिट नहीं करेंगे बाहर हिट कर देते फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, इंसर्ट इमेज, तो इमेज बाहर आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, बाहर आ जाए। मैं फर्स्ट इमेज इसका भी मैंने इसका रिप्लेस किया था, देखिए बाहर आ गया। इसको होल्ड करें और इसके अंदर ड्रैग कर दें। ओह, ये तो बड़ी इमेज है, हमें तो छोटी चाहिए थी। इसको डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। ठीक है, और दोबारा आ जाएँ इंसर्ट पे, और इमेज हमने स्मॉल इमेज थंबनेल लेना है। ठीक है, याद रखिएगा,
स्मॉल इमेज और ये आ गई। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ हिट करते हैं, इस वाले सेल में हिट करें, इंसर्ट। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, टू, ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। टू देन थ्री पे जाएं, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट आ रहा है, ठीक है। और ये थ्री हो गया। अच्छा, अभी जो हमने रिप्लेस किया था ये तो खैर बड़ी साइज़ इमेज, ये देखें 8x600 है, थंबनेल के अंदर गलती से कर दीजिए हमने ना, तो ये वाला हमें चाहिए साइज़, ये कितना है 150x100, ठीक है, ओपन कर लें, ये आ गया। ठीक है, मैं अब फिफ्थ इमेज ले रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्टर आए मैक में, कंट्रोल शिफ्ट कमांड ऑल्टर आए, कमांड ऑप्शन आए, ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। टाइम थोड़ा मैं सेव करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ शॉर्टकट याद ना हो तो आप यहाँ से जाके करें, इंसर्ट में जाके इंसर्ट करें ना इमेज, ठीक है। 8 नंबर इमेज ले लिए और ये हमने 9 नंबर इमेज लेनी है, इमेज 9, ठीक है, इसको सेव कर ले जहाँ आपने इमेज होल्डर बनाया, हमने डेस्कटॉप पे बनाया, इसको जाके कमांड एस कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं इस फाइल को, और उसका नाम मैं कह रहा हूँ पाक अंडर स्कोर ट्रिप, ठीक है, .html, ये सेव हो गई। इसको हम चेक कर लेते हैं ज़रा ब्राउज़र में, ठीक है, यहाँ सफारी पे आ जाएं, ठीक है, ये आ रहा है बॉर्डर, आपने दिया था बॉर्डर आ रहा है, और ये सब लेफ्ट अलाइन आ रहा है, इनको हम जाके ज़रा सेंट्रल अलाइन कर लेते हैं इमेज़ को ना, तो आ जाएं यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अलाइन का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इमेज सेल को करेंगे बेसिकली, सेल के अंदर जो चीज़ है ना वो सेंट्रल अलाइन होगी, तो हम इस सेल पे यहाँ हिट कर दें, आप यहाँ हिट कर दें, कर्सर आ जाएगा, आप देखें ये हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दें, सी अगर मैं इसको लेफ्ट राइट कर दूँ तो इस तरह राइट हो जाएगा ये, इसको मैं सेंटर करना है, तो तमाम सेल को जाके हिट करेंगे और उनको जाके आपने सेंटर कर देना है, ठीक है, सेंटर। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ सेम आ गई, इसको डिलीट करें, 6 चाहिए हमें, ये क्यों आ गई, ठीक है, सेंटर हो गया, कंट्रोल एस कमांड एस सेव किया आपने ब्राउज़र पे, सेंटर हो गई मेरी सारी आपकी, ठीक है, मगर ये अच्छा, इसको मैं ब्राउज़र को छोटा करता हूँ, देख रहे हैं, क्योंकि हमने परसेंटेज वाइज लिया है ना, 5 पिक्सल जितना भी आपका सेंटर होगा उसका 5% 5% यहाँ छोटा होगा परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, देखिए अब जो भी है उसका 5% यहाँ आ रहा है, और ये ठीक है, अब मैं जाके चेंज करता हूँ इसको, टेबल को परसेंटेज की जगह मैं इसको टेबल सेलेक्ट करें, और परसेंटेज की जगह मैं इसको कह रहा हूँ पिक्सल्स, ठीक है, 90 पिक्सल नहीं, इसको मैं 750 पिक्सल्स कह रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस सेव किया, आप देखेंगे अब ये जो है ना वो नहीं होगा आपका, ठीक है, देखें कट गया वो, छोटा नहीं हो रहा वो, ठीक है, साइज़ वही है आपके टेबल का, ठीक है, ये फ़र्क है परसेंटेज में और फिक्स पिक्सल में, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसका बॉर्डर मुझे ख़त्म करना है, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, एंटर आ जाएं, ठीक है, सेव नहीं किया हमने, वापस जाएँ कंट्रोल एस सेव, देखिए यहाँ स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब है आपने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस जैसे मैं करता हूँ कमांड एस, ये सेव होगी आपका फाइल, सेव होगी, स्टार ख़त्म हो गया, अब जाएँ वापस, ये हो गया आपका अपडेट हो गया, बॉर्डर ख़त्म। अच्छा, ये बहुत करीब करीब है, इनको मैं ज़रा गैप दे दूँ, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग हमने क्या रखी थी, ठीक है, वो बॉर्डर को सेलेक्ट करें, टेबल को हमने 1 1 रखी है, 11 11 कर रहा हूँ मैं इसको, 11 11, ठीक है, और ये हो गई, कंट्रोल एस सेव कर लें और दोबारा आते हैं, ठीक है, और अपडेट हो गई, ठीक है, इक्वल स्पेस आ गया, ठीक है, बेहतर है। अब हमने देखो अभी इस पर हमने माउस ओवर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं दिया इसको हमने, तो वो एक तो माउस ओवर भी लगा सकते हैं, जैसे हमने सीखा था, यहाँ जाएंगे और रोल ओवर पे चले जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैसे में लगा के दिखा रहा हूँ, मैंने सेव तो नहीं किया इसको, मैं IM_1 कर रहा हूँ, वैसे ही अपने नाम दे रहा हूँ 1, और माउस ओवर पे जाके वो कोई भी और दे देता हूँ, कि मैंने बनाई नहीं है ना, तो अब मैं कुछ भी दे रहा हूँ ये, ठीक है, और लिंक मैं यहीं दे दूँ, चले लिंक भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, जब क्लिक करे तो वो ट्रिप का जो बड़ी इमेज है ये खुल जाएगी, ओपन,
ठीक है, ओके कर दें, कंट्रोल एस सेव कर लें। अच्छा ये क्या हुआ कि दो दो क्यों आ गई, क्योंकि हमने इसको डिलीट नहीं किया था। अंडू करें, इसको पहले डिलीट करें, ठीक है। अब जाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। ये गलती अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं, फिर बोलते हैं सर ये हो गया, ये नहीं हो रहा, डबल क्यों आ गई। भाई इसको डिलीट करेंगे पहले, उसके बाद जाके करेंगे, ठीक है। वन देन वन का ही ए बी होना चाहिए, ठीक है ना। इसको कोई, चले हम कर लेते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं, वो नहीं करते ना, आपको कन्फ्यूज नहीं करता आपको। मैं वन पे आता हूँ, वन ओपन कर लूँ, मेरी वन वाली इमेज जो है ना थंबनेल की, उसको मैं कुछ ड्रामा कुछ कर लेता हूँ। वन को सिलाई किया, ठीक है। इसका मैं ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाए और ये ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अच्छा इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस, अगेन हम इसको सेव करना है, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ ए, ठीक है, ए कर लेता हूँ मैं, वन ए, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, वन ए वाली जो है ना वो हम यहाँ ले लेते हैं, ताकि पहले ब्लैक एंड वाइट नज़र आए, फिर वो जो माउस ओवर जाए तो फिर वो कलर आए। स्मॉल पे जाए और वन ए ओपन, और यहाँ पर फिर वो कलर आए, जब माउस ओवर हो तो कलर हो जाए, ठीक है। और यहाँ आ जाए, ये कलर वाली ले लेते हैं, ठीक है। लिंक हमने यहाँ से करवाया था, बड़ी इमेज खुल जाएगी इसकी। बड़ी इमेज कौन सी, ये वाली है, ठीक है। ट्रिप में ये बड़ी इमेज है, ये स्मॉल में थंबनेल्स हैं जो हमने सेव किए हैं। ओके कंट्रोल एस सेव, और आ जाए ज़रा अपने ब्राउज़र पे, देखें ब्लैक एंड वाइट है और ये माउस ओवर पे कलर हो रही है, ठीक है। अब ज़रा इसको क्लिक करें, बड़ी इमेज खुल गई, मगर उसी ब्राउज़र में खुली है, मैं चाह रहा हूँ अलग खुल जाए। वापस आए रिमूवर के ऊपर, इसको सेलेक्ट करें इमेज को, और यहाँ जाके टारगेट आ रहा है नज़र, ये टारगेट भी ब्लैंक कर लेते हैं, टारगेट ब्लैंक इमेज पे, ब्लैंक उस पे ब्राउज़र पे खुल जाएगी। कंट्रोल एस सेव किया, और सेव नहीं हुआ, ठीक है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा स्टार ख़त्म होना चाहिए, सेव हो गया। अब यहाँ पर आ जाएँ, रिफ्रेश कर लेते हैं सेव साइट, ठीक है। अब सही अलग खुल गया। अच्छा ये वाली जो हमारी है इसमें अनटाइटल आ रहा है, इसको ज़रा नाम चेंज कर दें इसका, ताकि वो माई इमेजेस कर देता हूँ मैं इसको। स्प्लिट पे जाएँ, कोडिंग पे जाएँ, ये हमने किया था ना, अनटाइटल आ रहा है टाइटल के अंदर, इसको ज़रा बड़ा करें, टाइटल में अनटाइटल आ रहा है ना, इसको जाके हम कर देते हैं, इसमें कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। माई इमेजेस कर दिया मैंने, ठीक है। और कंट्रोल एस सेव कर लें, और स्प्लिट, चलिए मैं डिज़ाइन पे जा रहा हूँ, और इसको जाके चेक करें आप, ठीक है जी। क्या खुल गया, खुल गया। और जो हमारी ओरिजिनल, देखें ये वाली आ गई यहाँ पर, माई इमेज आ गया, माई इमेज हमारी जो हमने स्पेलिंग, हमने गलती कर दी, दोबारा जाएं स्पेलिंग सही करें, कोड पे माई इमेजेस, ठीक है। सेव, वापस आए, ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ चेंज, सेव तो हो गया। यहाँ पर डिज़ाइन पे आ जाएं, सेव करें दोबारा, क्यों नहीं हो रहा, बंद करें इसको और दोबारा ब्राउज़र खोल लेते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। माई इमेजेस, ठीक है, आ गया। अब अच्छा लगे थम, ब्लैक एंड वाइट अच्छा लग रहा है, आप भी इस तरह कर सकते हैं कि अपने थंबनेल जो ना ब्लैक एंड वाइट भी बनाएं, और उसको वो माउस ओवर के ऊपर वो कलर हो जाए और हिट करें तो अलग एक ब्राउज़र पे वो खुल जाए इमेज, ठीक है। तो होप आपके समझ में आ गया होगा ये, तो ये बना लें। अच्छा इसको ये भी कर सकते हैं, तुमने ब्लैंक लिया है ना, आपने तो ऑलरेडी डिज़ाइन बनाया हुआ होगा और उसमें शायद सेंटर में अपने जगह छोड़ी होगी, ठीक है। तो उसमें जो भी टेबल होगा ना सेंटर वाला, तो उसको क्या करें, इसका कोड को कॉपी करें। कोड कहाँ से कॉपी करेंगे, अच्छा इसमें फिर मसला आएगा आपका ये जावास्क्रिप्ट का, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ जाके लगा लीजिएगा माउस ओवर, ठीक है। खैर अभी मैं जाके इसको अब सिंपल सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से अब इसको होल्ड करें, ट्रिप बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, इसको यहाँ से लें टी आर वन, और टी आर यहाँ एंड हो रहा है ना ये वाला, कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और उसके बाद कोई हम दूसरी फाइल खोल लेते हैं। ये कुछ हमने शायद किया था, नहीं ये तो सी एस एस है। फाइल में आ जाए,
किड्स नहीं है, इंडेक्स हाँ चलिए ये ले लेते हैं, इसके बॉटम पे ले लेते हैं ठीक है। मैं यहाँ इसके ना बॉटम पे ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और स्प्लिट या कोड पे आ जाए, डायरेक्ट कोड पे आ जाए, यहाँ आपने सेलेक्ट किया ठीक है, कंट्रोल वी करते हैं ठीक है। अब इसी इसी टेबल के अंदर टेबल बन जाएगी तो कोई इशू नहीं है, यहाँ आ जाए। अच्छा ये मसला आ रहा है, ये क्या मसला है? अच्छा ये ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, वो हम तो सेंटर में जगह बनाई होगी ना ऑलरेडी, इसमें जगह नहीं बनी हुई थी तो वहाँ हमने पेस्ट करना था ठीक है। तो यहाँ हम तो वो जो आप साइज़ देंगे ना सेंटर में, तो उसी साइज़ का फिर आपने टेबल वगैरह बनानी होगी। ओके देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, कहाँ गए हमारे पार्क ट्रैप, इसके अंदर हमने क्या किया, इसका परसेंटेज जो है ना हमने रखी है कंट्रोल F3, यहाँ पर हमने रखा है टेबल के जो है विड्थ ना वो हमने ज़्यादा रखी हुई है, 73। तो आपने क्या करनी है कि वो डिपेंड करता है आपका जो भी आपने स्पेस छोड़ी है ना अपने लेआउट के अंदर, तो उतनी बड़ा आप फिर यहाँ से ना टेबल ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने छोड़ा है 250 या 350 छोड़ा है, तो 350 आप फिर करें इसको एंटर करें, फिर यहाँ आ जाएं, उसके बाद जाके फिर इसको इसके कोड को कॉपी करें 350 करने के बाद ठीक है। तो मैं अच्छा ये पूरा टेबल कॉपी करना होगा ठीक है, ये टेबल के अंदर टेबल आ जाएगा ना, पूरा टेबल आप कॉपी कर लेंगे ठीक है, कॉपी कर लें और हम चलें वैसे ही चेक करते हैं इसको। ये सारा ख़राब हो जाएगा, कोई मसला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ जाके इसको ठीक है इसी सेल में जाके ना मैं पूरा टेबल मैंने ना कॉपी कर दिया ठीक है। ये सारा कुछ ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, इमेजेस यहाँ क्यों वो ख़राब हो गए, क्योंकि ये फाइल हमने कहीं और सेव की हुई थी वेब के अंदर, और ये हमारे जो देखें थंबनेल जो आ रहे हैं वो लिंक वही दे रहा होगा पुराना वाला ना डेस्कटॉप वाला, देखिए डेस्कटॉप पर ट्रिप का फोल्डर था इसके अंदर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको जाके दोबारा से आपने उसको बताना होगा, सेलेक्ट करें और सॉरी ये वाला ना थंबनेल थे, तो यहाँ जाएँ और यहाँ जाके आप दोबारा उसको स्मॉल पे जाएँ, ब्लैक एंड वाइट लिया था हमने ये आ गए, तो इस तरह करके दोबारा इसको ना वो आपको लिंक करवाने होंगे, तो वो इस तरह आ जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने। मगर इसको साइज़ जो मैंने बताया ना, इसको ज़रा आपने समझना है कि साइज़ जो आपने अपने टेबल के रखना है वही रखना है जितना आपने साइज़ छोड़ा होगा, वो पिक्सल आप कहाँ किस तरह नापेंगे, ये फोटोशॉप में जो आपने बनाया होगा ना अपना लेआउट, उस लेआउट का जो सेंटर होगा जो आपने जहाँ पिक्सल्स का वो थंबनेल बनाया होगा उसको आप इस तरह जाके चेक कर लीजिएगा कितना है वो ठीक है। यहाँ इस तरह सेलेक्ट करेंगे और अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप कंट्रोल सी कॉपी करें और उसके बाद कंट्रोल एन न्यू फाइल करें तो आपको नज़र आ जाएगा कितना आपने बनाया है, तो यही साइज़ आप वहाँ लीजिएगा टेबल का ना, तो वो क्या होगा आपके ख़राब नहीं होंगे, एग्जैक्टली उसी जगह पे वो आपके थंबनेल पेस्ट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी तो मैंने एक तरीका बताया कि अगर अलग आपने बनाया है और इसका प्रीवियस आप कोई कोई और फाइल उसमें लेकर आए तो कॉपी पेस्ट कर लें, अदरवाइज आपने यही बनाया है तो इसको तो जाके जो भी आपका ये इमेज होगा उसको डिलीट कर दें और वहाँ नया टेबल कॉल कर लेंगे आप इजीली ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा ठीक है, अल्लाह हाफिज़।